अब हम आगे चर्चा करते हैं विवाह की, विवाह और स्पेशली चर्चा करेंगे हिंदू विवाह की, जहां से संभावना है एमपीटेट में क्वेश्चन पूछे जाने की। विवाह आपको बहुत कुछ पता होगा, लेकिन हमको वो पता होना चाहिए जो हमसे पूछा जा सकता है। जैसे अगर हम दुनिया भर में देखें तो सभी जगह किसी न किसी रूप में विवाह जरूर संपन्न होता है। इस तरह से जो विवाह है एक सार्वभौमिक संस्था के रूप में देखा जा सकता है, मतलब दुनिया में कोई भी समाज हो उसमें विवाह जो है किसी ना किसी रूप में जरूर संपादित होता है। अब ये कहीं पर संस्कार के रूप में है तो कहीं पर यह एक संविदा या फिर समझौते के रूप में है। क्यों? क्योंकि अलग अलग समाज में, चाहे हिंदू समाज हो, मुस्लिम समाज हो, ईसाई समाज हो, उनके अपने तौर तरीके हैं, उनके अपने नियम है, कानून है कि उनमें विवाह की प्रक्रिया कैसे संपन्न होगी। तो एग्जाम्पल के तौर पर अगर हम बात करते हैं हिंदू विवाह, हिंदू विवाह जो है वह एक प्रकार का संस्कार है। मुस्लिम विवाह जो है वह एक, जो कानून कहता है वह एक प्रकार का संविदा है, वह एक प्रकार का समझौता होता है। ये भी ध्यान दीजिए कि जो मुस्लिम विवाह है, हम दुनिया भर के समाजों की बात कर रहे हैं, वो तीन प्रकार से हो सकता है। एक है उसमें मुताह, दूसरा है निकाह, पहला प्रकार मुताह, दूसरा प्रकार निकाह और तीसरा प्रकार है फासिक। तो इस तरह से तीन प्रकार के मुस्लिम विवाह जो है दुनिया भर में प्रचलित है। आपको ध्यान में क्या रखना होगा कि मुस्लिम विवाह क्या है? संविदा है, समझौता है, कॉन्ट्रैक्ट है। अब हम बात करते हैं हिंदू विवाह। हिंदू विवाह की चर्चा करने से पहले हम विवाह की एक परिभाषा देख लेते हैं, और जो परिभाषा हम देखेंगे वो परिभाषा एक सरल परिभाषा दी गई है और इसको दिया है बोगार्ट्स ने। बोगार्ट्स जो कि समाजशास्त्री है, बोगार्ट्स का यह कहना है कि स्त्री और पुरुष के पारिवारिक जीवन में प्रवेश कराने वाली जो संस्था है वही विवाह है। तो बोगार्ट्स के अनुसार विवाह क्या है? सरल शब्दों में स्त्री व पुरुष को पारिवारिक जीवन में प्रवेश कराने वाली संस्था, प्रवेश कराने वाली संस्था, स्त्री व पुरुष को पारिवारिक जीवन में प्रवेश कराने वाली संस्था विवाह है, यह कहना है बोगार्ट्स का। तो बोगार्ट्स ने बड़े सरल शब्दों में विवाह को परिभाषित किया। अब हम बात कर रहे थे हिंदू विवाह की। हिंदू विवाह आपको ध्यान रखना है, पूरी संभावना है क्वेश्चन आने की कि हिंदू विवाह क्या है। तो हिंदू विवाह क्या है? संस्कार है। उसके आगे बढ़े हम ये देखते हैं कि जो विवाह होता है, सामान्यतः आप देखेंगे कि विवाह दो प्रकार से हो सकता है, हमने परिवार में भी बताया था इसके बारे में। सामान्यतः सामान्य रूप में देखें तो दो प्रकार होगा, एक विवाह और दूसरा होगा बहुविवाह। एक विवाह और बहुविवाह का अर्थ आपको पता है। अब इसके बाद अगर हम बात करते हैं कि आखिर जो विवाह है उस विवाह के उद्देश्य क्या होते हैं, तो उद्देश्य में भी हम चर्चा किसकी करेंगे? मर्डॉक के। मर्डॉक ने विवाह के तीन उद्देश्य बताए हैं कि विवाह जो किया जाता है दुनिया में अलग अलग जगहों में कहीं पर भी, उसके पीछे प्रमुख तीन वजह होती है। पहली वजह यौन संतुष्टि, इसके कारण स्त्री और पुरुष के मध्य जो शारीरिक संबंध होते हैं उसको वैधानिक मान्यता मिल जाती है। दूसरा इन्होंने जो उद्देश्य बताया है वो है संतानों का सामाजिकरण व लालन पोषण पालन, संतानों का सामाजिकरण व उनका लालन पालन। समाज में ही बच्चा जो है सीखता है, उसके व्यक्तित्व का विकास होता है और ये विवाह नामक संस्था के माध्यम से ही संभव हो पाता है। फिर तीसरा है इसमें आर्थिक सहयोग। वर्तमान परिदृश्य में इस उद्देश्य को और आप बेहतर तरीके से समझ सकते हैं। तो इस तरह से आपने देखा मॉडल में जो तीन इसके उद्देश्य बनाए हैं, यौन संतुष्टि, संतानों का सामाजिकरण या लालन पोषण और आर्थिक सहयोग। इसी तरह से माजोमदार जो हैं उन्होंने भी चार इसके उद्देश्य बताए हैं। मतलब क्या था? मॉडल ने विवाह के जहां तीन उद्देश्य बताए हैं वहीं पर
माजोमदार समाजशास्त्री माजोमदार ने इसके चार उद्देश्य बताए हैं। पहला उद्देश्य है कि घर की स्थापना, यही से कह सकते हैं कि एक अलग घर या एक अलग परिवार की नींव पड़ती है, शुरुआत होती है। फिर लैंगिक संबंधों में प्रवेश, जो माडाप ने भी कहा है, लैंगिक संबंधों में प्रवेश। फिर तीसरा इन्होंने जो उद्देश्य बताया है वो है प्रजनन, इसी से जुड़ा हुआ है, बस इन्होंने इसको अलग कर दिया। और फिर संतानों का पालन पोषण, वही है, बस उन्होंने प्रजनन को अलग से शामिल कर लिया है। तो इस तरह से विवाह के ये सामान्य उद्देश्य होते हैं। अब हम फाइनली चर्चा करते हैं हिंदुओं का। पहला क्वेश्चन तो आपने जान ही लिया कि विवाह हिंदू विवाह क्या है, संस्कार है। अब सवाल ये है कि हिंदू विवाह को संस्कार मानने वाले कौन कौन से प्रमुख विद्वान हैं? इनमें दो नाम याद रखना है, एक है P.N. प्रभु। P.N. प्रभु ने स्पष्ट कहा कि हिंदू विवाह एक धार्मिक संस्कार है। इसी प्रकार से K.M. कापाड़िया ने भी कहा है कि हिंदू विवाह जो है एक धार्मिक संस्कार है। अब सवाल यह है कि धार्मिक संस्कार तो है, लेकिन किन रूपों में? आखिर हिंदू विवाह को हम धार्मिक संस्कार क्यों कह रहे हैं? उसके पीछे कोई ना कोई तो वजह होगी। वजह, पहली वजह यह है कि हिंदू विवाह जो है वो धार्मिक कृत्यों की पूर्ति, पुत्र प्राप्ति और पुरुषार्थ की प्राप्ति, और साथ में जो हमारे ऋण बताए गए हैं हिंदू धार्मिक मान्यता में, उनसे मुक्ति प्राप्त करने का साधन माना गया है। मतलब कुछ सामान्य कारणों की मैं चर्चा कर रहा हूं कि आखिर हिंदू विवाह संस्कार क्यों है। आप इसको और भी सरल शब्दों में कह सकते हैं कि हिंदू विवाह जो है उसमें हिंदू विवाह को जन्म जन्मांतर का रिश्ता माना गया, एक जन्म तो छोड़िए, सात जन्मों की बात कही गई है। फिर इसका अपना धार्मिक आधार है, आपने देखा और अनुभव भी किया होगा कि किस तरह से हिंदू विवाह जो होता है वो मंत्र के साथ, मंत्रोच्चारण के साथ, एक पूरी धार्मिक प्रक्रिया या अनुष्ठान के साथ संपन्न होता है। फिर धार्मिक कार्यों में पत्नी की उपस्थिति बनी रहती है, फिर कई मंत्र जो हैं या कई इस तरह के अनुष्ठान में पत्नियों के लिए भी संबोधन प्रयुक्त किया गया है। फिर हिंदू विवाह जो है स्वर्ग पहुंचने का एक माध्यम माना गया है, मोक्ष प्राप्ति का एक साधन माना गया है। फिर विवाह से फिर अन्य संस्कारों का जन्म होता है, जैसे आप देखें कि हमारे जो 16 संस्कार हैं उनमें से विवाह 15वां संस्कार है। विवाह के बाद सिर्फ एक संस्कार होता है, वो है अंत्येष्टि, अंतिम संस्कार। मतलब 15वें के बाद, विवाह के बाद जो है अन्य संस्कार के जन्म वहीं से होने लगते हैं, और इसी प्रकार से फिर बाकी संस्कारों की आवश्यकता महसूस नहीं की गई है, और फिर अंतिम संस्कार होता है अंत्येष्टि, उनकी भी हम चर्चा करेंगे। यहाँ पर मैंने जो कुछ बातें आपसे अभी कही हैं अपने इस लेक्चर के दौरान कि हिंदू विवाह में जो कुछ महत्वपूर्ण जो विशेषताएं हैं जो उसको संस्कार बनाती हैं, उनमें से मैंने एक शब्द का प्रयोग किया, वो शब्द है पुरुषार्थ। तो पुरुषार्थ को भी सामान्य रूप से समझते हैं। हाँ, उसके पहले आप थोड़ा सा इसको नोट कर लीजिएगा। मैंने पहले क्या बताया कि विवाह क्या है, एक सार्वभौमिक संस्था है। भूगर्भ से इसको कैसे परिभाषित किया है कि स्त्री पुरुष को पारिवारिक जीवन में प्रवेश कराने वाली संस्था है। मुख्य रूप से दो प्रकार होते हैं, एक विवाह, बहुविवाह। और आपको पता है कि हमारे यहाँ कानून बनाकर भारत में बहुविवाह को गैर कानूनी करार दिया गया है। इस तरह से मुख्य रूप से हमारे समाज में एक विवाह की परंपरा है और नियम भी है, वही वैध है। और इसके उद्देश्य अगर देखें तो माडाप ने तीन उद्देश्य बताए हैं, यौन संतुष्टि, संतानों का सामाजिकरण तथा लालन पोषण और आर्थिक सहयोग। माजोमदार ने चार बता दिए हैं, घर की स्थापना, लैंगिक संबंधों में प्रवेश, प्रजनन और संतानों का पालन पोषण। फिर अगर देखें तो दुनिया भर में जो विवाह है वो दो रूपों में है, कहीं पर संस्कार के रूप में, कहीं पर संविदा या समझौता के रूप में, या फिर कोई और भी प्रकार हो सकता है। संस्कार हिंदू विवाह एक धार्मिक संस्कार है, ऐसा P.N. प्रभु और T.M. कपड़िया जैसे समाजशास्त्रियों ने भी स्वीकार किया। मुस्लिम विवाह जो है संविदा या समझौता है। अलग अलग मुस्लिम समाजों में तीन प्रकार के विवाह है, मुताह, निकाह और फश। इनकी आवश्यकता यहाँ पे है चर्चा करने की। अब हम ये समझेंगे कि जो हिंदू विवाह है वो संस्कार है, ठीक है। वो संस्कार अगर है तो उसके पीछे वजह क्या है,
मैंने आपको पहली वजह यह बताई क्योंकि हिंदू विवाह जो है कई कार्यों का आधार है, चाहे वो धार्मिक कृत्य हो, चाहे वो संतानोत्पत्ति हो, चाहे वह मोक्ष प्राप्ति हो, या वो पुरुषार्थ हो, या फिर जो हमारे ऋण है उन ऋणों से मुक्ति का साधन ही क्यों ना हो। तो सबसे पहले हम चर्चा करते हैं पुरुषार्थ। पौरुष आप अक्सर सामाजिक रूप से शब्दों को सुनते हैं, अपने अभीष्ट को प्राप्त करना ही पुरुषार्थ है। अपने अभीष्ट को प्राप्त करना, अभीष्ट का यहां पर एक बात और ध्यान रखिएगा, यहां अभीष्ट जो है मोक्ष है, क्योंकि जो परंपरागत हमारा हिंदू समाज है उसमें जो उसका जो नैतिक आधार है वो नैतिक आधार यही मानता है कि हमारे जन्म लेने का जो उद्देश्य है वो मोक्ष प्राप्त करना है। वर्तमान में इस पुरुषार्थ को हम मोल कह सकते हैं, या वर्तमान में इस पुरुषार्थ को हम मानव के लक्ष्य या उद्देश्य कह सकते हैं। अब जब से मानव का जन्म हुआ तो उसके चार लक्ष्य तय किए गए। अंतिम लक्ष्य आपको पता है कि अंतिम लक्ष्य क्या है, मोक्ष है। लेकिन उसके पहले के जो लक्ष्य तय किए गए हैं वो लक्ष्य कौन कौन से हैं, वो है धर्म, कर्म, अर्थ, मोक्ष। धर्म का मतलब क्या है कि जीवन के नियामक तत्व, सरल शब्दों में, बाकी तो आपको पता है कि आप अलग अलग विद्वान अलग अलग तरह परिभाषित करेंगे, जीवन के नियामक तत्व जिसे धारण किया जा सके वही धर्म है, जो जीवन जीने की कला सिखाता है वही धर्म है। कई तरह की परिभाषाएं दी जा सकती है जीवन के नियामक तत्व इसके अंतर्गत आएंगे। फिर जीवन की जो वैध कामनाएं हैं, कई बार आप धर्म अर्थ को लिख लीजिए, जैसे हम लोग सीक्वेंस याद करते हैं धर्म अर्थ काम मोक्ष, ये तो जहां जीवन के नियामक तत्व जो है धर्म के अंतर्गत आएंगे, वहीं पर जीवन के जो भौतिक साधन है, जीवन के भौतिक साधन वो अर्थ के अंतर्गत आएंगे। फिर काम का आसक्त, जो कि अभी हम पढ़ ही रहे थे कि इसके द्वारा जो जैसे विवाह में जो है वो यौन संबंधों को वैधानिक मान्यता मिलती है, तो यहां पर जीवन की जो वैध कामनाएं हैं, वैध कामनाएं उनको इसमें शामिल किया गया है। अब जैसे अगर पूछा जाए हिंदू परंपरागत जो नैतिक आधार रहे हैं, जो नियम रहे हैं, वहां पर जीवन का अंतिम उद्देश्य क्या है, मोक्ष है। मोक्ष का मतलब है जीवन के सभी प्रकार के बंधनों से मुक्ति, जीवन के सभी प्रकार के बंधनों से मुक्ति ही पुरुषार्थ है। अब आपको यह भी समझना है कि हमारे हिंदू परंपरागत समाज में यह भी तय किया गया कि हर व्यक्ति जब जन्म लेता है तो वह कुछ ऋणों के साथ जन्म लेता है, जिन्हें हम पांच ऋणों में बांट सकते हैं। एक ऋण किसका होता है, देवता का, मतलब देव ऋण। दूसरा हो गया पितृऋण, देवऋण, पितृऋण, ऋषि ऋण, अतिथि ऋण, अतिथि ऋण और जीव ऋण। हमारा ये माना गया कि हमारा पूरा शरीर जो है वो किसी एक का नहीं बल्कि कई अलग अलग भागों का देन है या उनके सहयोग से निर्मित है, और उनके इन्हीं ऋणों को चुकाने के लिए हमारे यहाँ यज्ञ की व्यवस्था की गई है। हम बात कर रहे हैं परंपरागत हिंदू समाज के जो नैतिक आधार हैं, तो ऋण कितने हो गए, सॉरी पांच ऋण हो गए, यज्ञ कितने हो गए, पांच हो गए। इन्हीं ऋणों से मुक्ति के लिए जो यज्ञ किए जाएंगे उन्हें हम पंच महायज्ञ भी कह सकते हैं, देव यज्ञ, पितृयज्ञ, देव ऋण से मुक्ति के लिए, फिर जो पिता का कर्ज होता है उससे मुक्त होने के लिए पितृयज्ञ हो गया, फिर इसी तरह से ब्रह्म यज्ञ हो गया, ब्रह्म यज्ञ, नृ यज्ञ और इसी तरह से जीवन यज्ञ। तो संख्या आपको विशेष तौर पर याद रखनी होगी, पुरुषार्थों की संख्या कितनी है, चार, चार पुरुषार्थ हैं, धर्म अर्थ काम मोक्ष। ऋण की बात करें पांच, देव ऋण, पितृ ऋण, ऋषि ऋण, जीव ऋण। यज्ञ की बात करें देव यज्ञ, पितृ यज्ञ, ब्रह्म यज्ञ, नृ यज्ञ और हो गया
जी बन जाते हैं। अब ये तभी संभव है जब हमारा जीवन जो है व्यवस्थित होगा और जब हमारा जीवन अनुशासित होगा। हमारे इसी जीवन को व्यवस्थित और सामाजिक रूप से नियोजित करने की जो व्यवस्था रही है उस व्यवस्था को हम कहेंगे आश्रम व्यवस्था। ये माना गया कि प्रत्येक व्यक्ति का, मतलब ये कह लीजिए कि किसी भी व्यक्ति के वैयक्तिक जीवन को नियोजित करने की व्यवस्था है और 25-25 वर्ष के चार चरण में इसको बांटा गया जिससे सभी व्यक्ति एक निश्चित समय में अपने कार्य को कर पाए और सभी कार्यों को इसमें महत्व दिया गया है। अब आप देख लीजिए जो हमारे पुरुषार्थ हैं आप उनकी तरफ थोड़ा सा नजर डालिए। एक पुरुषार्थ है धर्म, दूसरा है अर्थ, तीसरा है काम और उसके बाद मोक्ष। तो इन्हीं के आधार पर इन्हीं पूर्ति के लिए हमारे जीवन को वैदिक काल में कह लीजिए चार भागों में बांटा गया जिन्हें हम आश्रम व्यवस्था कहते हैं। इनमें से जो पहला भाग है, पहला भाग आपको पता है जन्म से लेकर के 25 वर्ष तक का समय जो है वो ब्रह्मचर्य कहलाता है। फिर उसके बाद गृहस्थ, उसके बाद वानप्रस्थ और उसके बाद संन्यास। मतलब कितने आश्रम व्यवस्था में कितने भाग हैं, कितने कितने वर्ष के हैं, तो आपको ध्यान रखना है 0 से 25, 25 से 50, 50 से 75, 75 से 100 ये वर्ष है। तो इस तरह से जीवन को चार चरणों में बांटा जाता था। पहले सामाजिक नियोजन के अंतर्गत की व्यवस्था की गई थी ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ और संन्यास। प्रत्येक आश्रम की कालावधि जो है निश्चित की गई थी वो थी 25 वर्ष और इस तरह से हिंदू समाज की सर्वश्रेष्ठ व्यवस्था थी आश्रम व्यवस्था जिसमें तय समय के अंतर्गत सभी लक्ष्यों की प्राप्ति का लक्ष्य रखा गया, समय निर्धारण किया गया। इसी तरह से एक व्यवस्था और जो है हिंदू समाज में धार्मिक कार्य अनुष्ठान के रूप में उसका आज भी महत्व है और वो व्यवस्था है संस्कार। अक्सर हम इन शब्द का प्रयोग करते हैं कि व्यक्ति संस्कारित है या नहीं है। तो 16 संस्कार जो है कह लीजिए आज भी हमारे हिंदू समाज की एक रीढ़ है, वो हमारी एक प्रमुख पहचान है। तो मनुष्य की शुद्धि और उसके मनुष्य की शुद्धि उसके शारीरिक, मानसिक, बौद्धिक परिष्कृत हेतु संस्कार की व्यवस्था की गई थी। वास्तव में संस्कार जो है मनुष्य के संपूर्ण व्यक्तित्व का विकास करते हैं, उसे ज्यादा तेज और गतिशील बनाते हैं, देह को पवित्र करते हैं, मृत्यु के को वर्ण करके इस भव सागर से मुक्ति का मार्ग प्रदान करते हैं। सरल शब्दों में संस्कार वो हैं जो हमें परिष्कृत करते हैं, हमें समाज के अनुकूल बनाते हैं, हमें समाज के में रहने के योग्य बनाते हैं, सामाजिक नियमों, रीतियों, प्रथाओं, परंपराओं को की जानकारी देते हैं और हमारे व्यक्तित्व का विकास करते हैं। इसमें आपको पता है कि हमारे 16 संस्कार हैं। इनमें से 16 संस्कार में आपको सबसे पहले तो ये ध्यान में रखना होगा कि हमारा जो पहला संस्कार जो है वो माँ के गर्भ में आने से ही शुरू हो जाता है। पहला संस्कार, अंतिम संस्कार मैंने अभी आपसे कहा था अंत्येष्टि है ये। तो पहला संस्कार कौन सा हो गया? गर्भाधान। अंतिम संस्कार कौन सा हो गया? अंत्येष्टि। अब इनमें से जो वैदिक काल में जो एक सबसे महत्वपूर्ण संस्कार माना जाता था वो था उपनयन संस्कार, अभी भी होता है उपनयन संस्कार। अब अगर आप इन 16 संस्कारों के नाम को जानना चाहते हैं तो गर्भाधान पहला संस्कार हो गया, गर्भाधान पहला संस्कार। इसके बाद दूसरा संस्कार जो होता है पुंशवन, पुंशवन। तीसरा संस्कार जो है सीमांतोन्नयन। हाँ, नाम में कहीं कुछ अंतर मिल सकता है कि हमने कुछ और नाम लिखा हो, उसी को किसी और नाम से कहीं पे लिख दिया गया हो, सीमांतोन्नयन। फिर जात कर्म, जात कर्म, नामकरण, निष्क्रमण, अन्य प्राशन, अन्य प्राशन और नंबर 8 पे चूड़ाकरण,
जुड़ाव कर। तो आधे मैंने लिख दिया है, उसको एक बार आप रिकॉल करिए। गर्भाधान, पुंशवन, सीमांतोन्नयन, जात कर्म, नामकरण, निष्क्रमण, अन्य प्राशन, चूराकरण, आठ हो गए। नंबर नौ मैं ऊपर लिख रहा हूं। नौ में जो संस्कार है वो है कर्ण भेद, कर्ण भेद। नंबर दस विद्यारंभ, मतलब विद्या यहां से प्रारंभ है। दस इसके बाद वो संस्कार जिसका सबसे ज्यादा महत्व रहा है वो संस्कार है उपनयन संस्कार, नंबर 11। फिर बारहवा वेलारंभ, उपनयन के बाद गुरुकुल में बच्चा प्रवेश करता था, के शांत। फिर इसके बाद समावर्तन, वापस घर आता था और अगले आश्रम में प्रवेश करता था और गृहस्थ जीवन जीने के लिए विवाह नामक संस्था में प्रवेश करता था। और इसके बाद अंतिम संस्कार, सीधे अंत्येष्टि, 16 संस्कार एक बार देख लें। गर्भाधान, पुंशवंशी, मातोनियन, जात कर्म, नामकरण, निष्क्रमण, अन्य प्रसन्न, चूड़ा कर्म, कर्ण वेद, विद्यारंभ, उपनयन, वेदारंभ, केशांत, समावर्तन, विवाह और अंत्येष्टि। आपको ध्यान में रखना है संस्कारों की संख्या कितनी है, 16। पहला संस्कार कौन सा है, गर्भाधान, अंतिम संस्कार कौन सा है, अंत्येष्टि, सबसे महत्वपूर्ण संस्कार कौन सा, उपनयन संस्कार। कुछ मैंने जो संख्याओं की चर्चा की है, जैसे विवाह कितने प्रकार के होते हैं, सामान्य रूप से दो प्रकार के होते हैं। विवाह के उद्देश्य कितने हैं, तो आपने देखा कि अलग अलग विद्वानों ने विवाह के अलग अलग उद्देश्य बताए हैं। मर्डॉक ने 3 उद्देश्य बताए हैं, मजुमदार ने 4 उद्देश्य बताए हैं। फिर हिंदू विवाह क्या है, हिंदू विवाह संस्कार है। जब हम संस्कार की बात करते हैं तो जाहिर सी बात है संस्कार क्यों माना गया, उसके पीछे कुछ वजह है। उन वजहों में से जैसे मैंने चर्चा की पुरुषार्थ की, पुरुषार्थों की संख्या 4 हो गई, धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष। मैंने यज्ञ की बात की, यज्ञ कितने हैं, 5 क्योंकि ऋणों की संख्या कितनी बताई गई है, 5 बताई गई है। हम बात कर रहे हैं हिंदू परंपरागत नैतिक आधारों की, देव ऋण, पितृण, ऋषि ऋण, अतिथि ऋण और जीव ऋण, उन्हीं संबंधित ये 5 यज्ञ हो गए। फिर किसी व्यक्ति के जीवन को नियोजित और अनुशासित बनाने के लिए आश्रम व्यवस्था को लागू किया गया, सर्वश्रेष्ठ व्यवस्था यही थी। उसमें ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ और संन्यास, और फिर संस्कारों की संख्या जो हो गई वो है 16 संस्कार। और इस तरह से मैंने उन सभी विषयों, इस टॉपिक के उन सभी पोर्शन को टच करने का प्रयास किया, छूने का प्रयास किया है जहां से क्वेश्चन पूछे जाने की संभावना है। मैंने सिर्फ संविदा वर्ग 3 एमपीटेट को ध्यान में रख करके कंटेंट देने का प्रयास किया है, और पूरा प्रयास है कि जो परिवार और समाज वाला जो आपका पोर्शन है उनके जो क्वेश्चन है वो इन्हीं अभी इसके पीछे जो 3 वीडियो थे और ये वीडियो को मिला करके ही पूछे जाएंगे। इनको बार बार देखिएगा, पढ़ते रहिएगा,